नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के सवाल पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं से एकजुटता से चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पहला मुद्दा यह है कि हम एकजुटता से चुनाव लड़ें और चारों राज्यों में जीत हासिल करें। कांग्रेस में हमेशा ही चुनाव जीतने के बाद विधायक दल और पार्टी मुख्यमंत्री के नाम पर निर्णय हुआ है। कांग्रेस कोई अशोक गहलोत गुट या सचिन पायलट गुट नहीं है। पहला मुद्दा यह है कि हम एकजुट चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, वो सब इस बात पे कमिटेड है। हम चुनाव चारों सीट जीते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। चुनाव जीतने के बाद इस बात को केसी वेणुगोपाल जी हमारे संसद महासचिव बोल चुके हैं, चुनाव हम जीते हैं। उसके बाद हमेशा ये होता है कि विधायक दल जो होता है या पार्टी आलाकमान होता है वो तय करते हैं कि कौन किस पद वोट करेगा। वो निर्णय हमेशा चुनाव के बाद बड़ी परिपाटी आज भी चुनाव के लिए पूरे देश में है और पहले से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही इस लाइन को अडॉप्ट किया है। हम चुनाव जनता के लिए आते हैं, मुद्दों को लेकर, पार्टी के इश्यूज को लेकर। चुनाव जीतने के बाद जब विधायक जीतकर आते हैं, जब हमारा बहुमत आता है, उसके बाद विधायक पार्टी निर्णय करती है कौन से विधायक का निर्णय करते हैं, उसके बाद अरे वही कोटा में कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अपने आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अपना सिर मुंडवाया। उन्होंने कहा कि बहुत बार बेईमान लोगों को बचाना सरकार की मजबूरी है जिसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। उसने मुख्यमंत्री की कोई ऐसी नस पकड़ रखी है जिसे वो दबाएगा तो मुख्यमंत्री को परेशानी होगी, लेकिन मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं चुप बैठा रहूँ। मैंने बाल कटवाए हैं, मेरे विरोध का प्रतीक है। बहुत बार बेईमान लोगों को बचाना सरकार की मजबूरी है और मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी मजबूरी है। और मैं समझता हूँ कि जिसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसने कोई ऐसी नस पकड़ रखी है मुख्यमंत्री जी को, जिसको अगर वो दबाएगा तो तकलीफ होगी मुख्यमंत्री को, इसलिए उसको संरक्षण प्रदान करना माननीय मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है। पर मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं चुपचाप बैठा रहूँ। तो ये बाल जो है ना, ये एक विरोध का प्रतीक है, क्योंकि मैं कहाँ तक बोलता हूँ, मेरा सिर जो है, मेरा चेहरा जो है, मेरे कटे हुए बाल, ये जहाँ तक मैं सांस लेता रहूँगा मेरे माथे पर इसी प्रकार के मुंडन रहेगा, ताकि जहाँ तक मैं जीवित हूँ ये मेरा मस्तिष्क पूरे प्रदेश को और खास करके हमारे मुख्यमंत्री जी को ये याद दिलाए कि भरत सिंह ने इसलिए केश कटाए थे कि वो जो गौरव के साथ कहता है हमने 17 नए जिले बना लिए, एक भूल को सुधार नहीं करेगा। एक जिला कोटा का गांव जो गलती से 12 जिले में रह गया, उसको इसलिए कोटा जिले में नहीं मिलाना चाहता ताकि भाया जीवित रहे और भाया जो है अवैध खनन करता रहे। और वो खान की झोपड़िया में जिस प्रकार का मेरा सिर है वहाँ इस तरह का पूरा मैदान कर दिया और बाटे बाटे फोड़ रखे, इसलिए मेरा मस्तिष्क जो है पूरे प्रदेश में संदेश देगा कि भरत सिंह ने जो एक समय विधायक था और कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा है, उसने एक मुख्यमंत्री को संदेश देने के लिए ये अपना सिर मंडाया है। और मैं मान लिया, आप भेंट करेंगे? वो बात भेंट करूंगा, अगर वो आएंगे तो उनको दूंगा। हो सकता है वो चमक जाए लिफाफा लेने से स्वीकार नहीं करे, ऐसी स्थिति होती है तो रजिस्टर कोर्ट से भेजूंगा। मुझे तो तसल्ली रहेगी कि अशोक गहलोत जी के मैंने जो गांधीवादी बनते हैं और उसके विपरीत काम करते हैं, इसलिए मैंने उनको और मैंने इनको कहा कि हम क्योंकि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक ही व्यक्ति है अशोक गहलोत, तो हम हमारे अशोक गहलोत का इस बात के लिए सम्मान करते हैं कि उन्होंने बेहतरीन सरकार चलाई और अपनी मजबूरी से भाया जैसे गंदे लोगों को उन्होंने संरक्षण दिया, इसलिए हमारी नाराजगी और वह है बहुत। वहीं सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बोलते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जब जनता के विश्वास को खो दिया तो उन्हें लगा कि जनता को भ्रमित करने के लिए वे कुछ भी कहेंगे तो वो बात बिक जाएगी। कोई इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं की गई है, अमेरिका पर अतिरिक्त इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई है जिसे हटाया गया था, अब सभी देशों के लिए एक समान इम्पोर्ट ड्यूटी हो गई है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि
विपक्ष के प्रवक्ताओं पर, विपक्ष के नेताओं पर, जिनकी समझ इतनी कम है कि उनको ना तो विषय समझ में आते हैं, ना विषय की गंभीरता समझ में आती है, ना विषय को ठीक से बता पाते हैं, और शायद राजनीतिक पर हर विषय पढ़ने के लालच में झूठ और फरेब का सहारा लेने में खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को आज में मजबूर हो गए। जब जनता के विश्वास को खो दिया तो उन्हें लगता है कि जनता को भ्रमित करने के लिए वो कुछ भी कहे तो उन्हें लगने लगता है कि वो बात कर जाए। असलियत तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत में जो सेब उत्पादन होता है उसको समर्थन देने के लिए विदेश से छोटी सेब आती है उसके ऊपर एक बड़ी तकड़ी आयात कर उनको झुंडे लगा रखे। इसी के साथ साथ कुछ ही महीनों पहले हमने एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी 50 रुपये से सस्ता भारत में सीएलएफ प्राइस या जो भारत की सेवा उसकी 50 रुपये से कम कीमत के सेब को लाने नहीं दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है विपक्ष के प्रवक्ताओं पर, विपक्ष के नेताओं पर। वहीं बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के बारे में कहा। उन्होंने आगे कहा कि हमारा देश पूरे विश्व के लिए एक ताकतवर शक्ति के रूप में उभर रहा है। पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चल रहा है। 1 से 15 सितंबर तक बूथ लेवल पर मीटिंग मिट्टी इकट्ठा करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम यहाँ से मिट्टी दिल्ली भेजेंगे। हमारा देश पूरे विश्व में एक ताकतवर शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। हाथ में दिया मेरा देश मेरा माटी जो कार्यक्रम पूरा देश भर चल रहा है 1 से 15 सितंबर तक बूथ लेवल में डिस्ट्रिक्ट लेवल में मिट्टी कलेक्शन का प्रोग्राम चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता के नाते यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का जो भूमि है जहाँ उन्होंने भूमिष्ठ हुआ था उस भूमि से मट्टी रामकृष्ण मिशन महाराज ने उन्होंने हम लोग का हाथ में दिया है। ये माटी को नमन करते हुए स्वामी जी को वंदन करते हुए ये माटी हम लोग दिल्ली भेजेगा। वहाँ हमारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अमृत वाटिका तैयार करने का ऐलान किया। मेरा देश मेरा माटी जो कार्यक्रम पूरा देश भर चल रहा है 1 से 15 सितंबर तक बूथ लेवल में डिस्ट्रिक्ट लेवल में मिट्टी कलेक्शन का प्रोग्राम चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता के नाते यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का जो भूमि है जहाँ उन्होंने भूमिष्ठ हुआ था उस भूमि से मट्टी रामकृष्ण मिशन महाराज ने उन्होंने हम लोग का हाथ में दिया है। ये माटी को नमन करते हुए स्वामी जी को वंदन करते हुए ये माटी हम लोग दिल्ली भेजेगा। वहाँ हमारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अमृत वाटिका तैयार करने का ऐलान किया। मेरा देश मेरा माटी। वही हापुड़ की थाना बाबूगढ़ पुलिस ने बाइक चोरों के एक गिरोह का खुलासा करते हुए बाइक चोर को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी की 18 बाइक और 2 चाकू भी बरामद किए हैं। पकड़े गए चोरों का गिरोह हापुड़ के थाना मुक्तेश्वरगढ़ देहात और सिंभावली में सक्रिय थे। बाबूगढ़ पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरों के एक गैंग को पकड़ा गया है जिसमें 4 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशादेही पर चोरी की 18 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं।
इनमें से 8 मोटरसाइकिलें थाना बाबूगढ़, हापुड़ देहात, गढ़ और सिंभावली थानों से कनेक्ट हो गई हैं, बाकी मोटरसाइकिलों को कनेक्ट किया जा रहा है। इसमें से एक अभियुक्त का आपराधिक। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां दिन दहाड़े शहर के पॉश इलाके में लूट की बड़ी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। बदमाशों ने एक्सिस बैंक के सामने कैश वैन को लूट लिया और इस दौरान कैश वैन के कर्मचारी और सुरक्षा में तैनात गार्ड को गोली मार दी और कैश बॉक्स लेकर फरार हो गए। कैश बॉक्स में 22 लाख रुपए होने की बात सामने आई है। वहीं इस घटना में गोली लगने से गार्ड की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। लूट की ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये कोतवाली कटरा में डंकिनगंज एरिया है, जहां पर एक बैंक है, उसके सामने जो कैश वैन जो डिपॉजिट करती है वहां उसको लूटने का प्रयास किया गया है। जिसमें कि अभी जो जानकारी मिली हम लोग को, उसमें 4 बदमाश थे जो कि 2 मोटरसाइकिलों पर आए हुए थे। उन्होंने लूटने का प्रयास किया और जो कैश वैन के जो गार्ड थे उन्होंने रेजिस्टेंस किया और उनको भगाने का प्रयास किया। सर इधर से मैं आ रहा था, यहाँ पे गोली की आवाज़ आई तो लोग कहें, उसके बाद देखा कि एक बाइक से 2 लोग भाग रहे हैं, तो भागते हुए लोग कह रहे पकड़ो पकड़ो, तो हम आगने बंदूक लिया हुआ था, 2 नाली बंदूक लिया हुआ था, जो कि वो ले करके एक ठेले पर फेंक दिया। जब वो फेंक दिया तो मैं सोचा वो निहत्था हो गया है, तो मैंने अपने बाइक उसके बाइक में भिड़ा दिया, लेकिन जब अपनी बाइक उसके भाई में भिड़ा दिया तब वो का काम किया, पिस्टल निकाल के गोली मार दिया। कहाँ पर लगी आपको? पैर में लगा। और किसको मारा था गोली? सर और यहाँ पे कोई और था जिसको वो जानकारी नहीं है। गोली लग चुकी है उनको? हाँ उनको गोली। वहीं आवारा जानवरों से परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क पर घूम रहे आवारा जानवरों को पुराने बंद पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बंद करने के बाद प्रदर्शन किया। मामला डलमऊ थाना क्षेत्र के बहेरिया गांव का है, जहां आवारा जानवरों से परेशान सैकड़ों किसानों ने इकट्ठा होकर खेतों में सड़कों पर घूम रहे आवारा जानवरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बंद करने के बाद प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंचे तहसील दार के समझाने बुझाने के बाद नाराज किसान शांत हुए। ग्रामीणों ने बताया कि आवारा जानवर जहां फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन आवारा जानवरों की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा। अन्ना जानवरों को लेकर क्या हुआ, क्या समस्या आप लोगों को? शासन कह रहा है, प्रशासन कह रहा है, हमारे तहसीलदार कह रहे हैं, SDM कह रहे हैं, DDO कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जानवर की समस्या ही नहीं है। और आज मैं देख रहा हूँ इतनी जानवर की समस्या है, जिसको लेकर के मैं काल से पीड़ित हूँ और आज तक घर में बैठ गया, जिसमें नायब साहब और इंस्पेक्टर साहब आए थे और बात हुई है, उन्होंने कहा आश्वासन ही दिया है कि शाम तक जानवर हटवा लिया। अच्छा कुछ जानवर भी जो है आपके द्वारा बंदी बनाए गए हैं? ये जानवर हमारे द्वारा बंदी नहीं बनाए गए हैं, अब किसान पीड़ित है तो उनको हर अंदर बंद कर दिया है, बंद करके इस बात को लेकर आज सारे जानवर यहाँ पे बंद थे और आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। खेत चल जाते हैं, किसानों के धान सब चल जाते हैं। क्या मतलब, तो कौन आया था आज यहाँ पे? नायब तहसीलदार। क्या बोले? बोले प्रशासन को हम देंगे लदवा के लाइए। इस बात को लेकर आज सारे जानवर यहाँ पे बंद थे और आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। खेत चल जाते हैं, किसानों के धान सब चल जाते हैं। क्या मतलब, तो कौन आया था आज यहाँ पे? नायब तहसीलदार। क्या बोले? बोले प्रशासन को हम देंगे लदवा के लाइए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।